नमस्कार, की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। ज्ञानवापी मामले में सर्वे करने पहुंची टीम को मस्जिद में जाने से रोका गया, जिसके चलते रुका सर्वे का कार्य। बड़ी पेरी क्षेत्र से निकली बड़ी शीतला माता की बधावा यात्रा में पूर्व विधायक अजय राय ने की शिरकत। हरिश्चंद महाविद्यालय के छात्र संघ चुनाव की नामांकन प्रक्रिया हुई संपन्न। और BHU IMS आयुर्वेद संकाय में PG की सीट बढ़ोतरी की मांग को लेकर छात्रों ने दिया धरना। और अब खबरें विस्तार से। ज्ञानवापी मामले में सर्वे करने पहुंची टीम को मस्जिद में जाने से रोका गया, जिससे सर्वे का कार्य रुक गया। ज्ञानवापी मामले में सर्वे का काम रुक गया। सर्वे टीम का दावा है कि उन्हें ज्ञानवापी मस्जिद में जाने से रोका गया। सर्वे टीम ने कहा कि अब 9 मई को कोर्ट में बात होगी। कुछ नहीं हुआ, निराशा कुछ नहीं होगा, निराशा लहर नहीं, लेकिन सच सामने आएगा और जरूर आएगा। तो आगे किस तरह की कार्रवाई, आगे अब हम लोग मदद लेंगे, न्यायालय की मदद लिया जाएगा। आज सुरक्षा कर्मियों ने बैरिकेडिंग के अंदर हम लोग को नहीं जाने दिया और अंदर सैकड़ों की संख्या में मुसलमान बंधु थे जो दरवाजा रोक कर खड़े हो गए, जिसके वजह से प्रशासन सुरक्षा कर्मियों ने नहीं जाने दिया। आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे? न्यायालय के समक्ष हम लोग जाएंगे। न्यायालय जो भी कार्रवाई करेगी न्यायालय करेगी। ये न्यायालय की अवमानना है। ये मामला न्यायालय स्वयं अपने प्रतिनिधि को भेजा है। कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट है। आगे क्या कार्रवाई होगी? कल कोई कार्रवाई नहीं है। कल तो अभी तक कितना किया गया सर? बाहरी। वहीं इस दौरान कुछ मुस्लिम बंधु नारेबाजी करते नजर आए। ये क्या किया है सर? क्या कर दिया इन्होंने? ये धार्मिक संप्रदाय, धार्मिक संप्रदाय के धार्मिक संप्रदाय रहने वाले हैं। यहाँ कैसे आ गए? क्या करने आए हैं? यहाँ कैसे आ गए? बड़ी पियरी क्षेत्र से निकली बड़ी शीतला माता की बधावा यात्रा में पूर्व विधायक अजय राय ने शिरकत की। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़ी पियरी स्थित मुन्नालाल पांडे के आवास से भव्य बधावा यात्रा निकाली गई। सर्वप्रथम मां के सुसज्जित विग्रह को आकर्षक रूप से सजे वाहन पर विराजमान कराया गया। इसके बाद विशाल ध्वज पताका पूजन कर इस यात्रा का शुभारंभ हुआ। डमरू की धुन सहित ढोल नगाड़े की धुन के साथ बड़ी संख्या में भक्त चल रहे थे। इस दौरान यात्रा जिन भी मार्गों से गुजरी, मां के गगनभेदी जयकारों से पूरा वातावरण गुंजायमान उठा। आपको बता दें कि यात्रा बड़ी शीतला माता अदलहाट तक जाएगी। वहीं इस अवसर पर पूर्व विधायक अजय राय, पंकज सिंह डब्लू, अवनीश यादव विक्की, गिरीश श्रीवास्तव, गोपाल जी गुप्ता, डब्लू सिंह, मुन्नालाल पांडे सहित बड़ी संख्या में भक्तगण उपस्थित रहे। वहीं इस दौरान उपस्थित गणमान्य लोगों का माल्यार्पण कर व उन्हें अंगवस्त्रम प्रदान कर सम्मानित किया गया। Come on!
अदरपुरा ये लेकर जाते हैं और सबकी मंगल कामना करते हैं और सब लोग खुश रहे, प्रसन्न रहे, इसकी बात से कामना करते हैं। हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज इसमें हम लोग शामिल हुए हैं। मैं तीर्थ पुरोहित परिवार को और इनको अपनी तरफ से बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं आज के दिन यही संदेश दूंगा, जिस प्रकार से देश में तमाम विपत्तियां आईं, जैसे कोरोना काल आया, तमाम ऐसी घटनाएं घटी जिससे देश का आम जनमानस परेशान है। आज हम लोग बड़ी पियरी के निवासी महंत मुन्नालाल पांडे जी के नेतृत्व में, उनके छोटे बेटे आशीष पांडे जी, अनंत पांडे, सब मिलकर माँ शीतला अदरपुरा का बढ़ावा निकालते हैं हर साल। इससे ये संदेश ये होता है कि हमारे क्षेत्र में सुख शांति बनी रहे, तमाम रोग दोग बाधा सब दूर रहे और माता रानी की कृपा हम सभी बनारसवासियों पर बना। हरिश्चंद महाविद्यालय के छात्र संघ चुनाव की नामांकन प्रक्रिया संपन्न हुई। काफी गहमा गहमी के बीच हरिश्चंद महाविद्यालय का नामांकन संपन्न हुआ। कॉलेज के बाहर भारी पुलिस बल सहित बैरिकेडिंग की भी व्यवस्था कॉलेज प्रशासन द्वारा की गई। जगह जगह सीसीटीवी की निगरानी में नामांकन हुआ। वहीं आगामी 16 मई को चुनाव संपन्न होगा। मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर अशोक सिंह व सहायक चुनाव अधिकारी डॉक्टर रामाश्रय ने बताया कि पूरी सुरक्षा और नियम के तहत चुनाव संपन्न कराया जाएगा, सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि 9 मई को नाम वापसी की प्रक्रिया होगी और प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल होने के बाद बतलाई जाएगी। पूरे प्रांगण में कैमरे भी अलग से लगाए गए हैं जो निगरानी में रहेंगे। लगभग 14 बूथ बनाए जाएंगे जिसमें मतदान की प्रक्रिया होगी। वहीं प्रत्याशियों ने कॉलेज में व्याप्त समस्याओं को शीघ्र दूर करने की बात कही। आज नामांकन है, 10 से 4 नामांकन होगा सर। उसके बाद कल हम जो नाम वापसी होगी और फाइनल हम तय करेंगे कितने हमारे प्रत्याशी मैदान में हैं, उसकी सूचना आपको हम दे देंगे। उसके बाद 16 तारीख को 8 से 1 बजे तक का चुनाव है। 1 बजे के बाद 1 घंटे का लंच होगा और फिर 3 बजे से मतगणना होगी। शाम को परिणाम घोषित होगा और उसी के साथ साथ शपथ ग्रहण समारोह होगा। किस तरह से चुनाव संपन्न होगा, सीसी कैमरा वगैरह ये क्या? सीसीटीवी कैमरा हर कमरे में जहां पोलिंग होगी वहां हमारा लगा हुआ है। आज आप देख रहे हैं कि हमारे व्यक्तिगत जो है महाविद्यालय के लोग हैं वो भी फोटोग्राफी के लोग फोटो खींच रहे हैं। बाहर से भी हम फोटो देखी व्यवस्था किए हैं, सारी व्यवस्थाएँ हैं। उसके साथ पुलिस प्रशासन की व्यवस्था आप देख रहे हैं, इतनी अच्छी व्यवस्था है कि कहीं कोई हमें दिक्कत नहीं है और पूरी तरीके से ईमानदारी से हमारा संचालन कार्यक्रम का। डॉक्टर साहब, किस तरह से इस बार चुनाव आप लोग संपन्न करा रहे हैं, क्या व्यवस्था है? हमारी व्यवस्था जो है कि आज नामांकन की है, जितने भी पद हमारे यहाँ हैं उसके लिए अलग अलग बूथ बनाया गया है। वहाँ पर हमारी जो टीम बनाई गई बैठी हुई है, प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से है और बाकी बात की प्रक्रिया जो है वो बूथ वार बनाई जाएगी। संभवतः 14 बूथों को हम लोग अलाट करेंगे और उस दिन भी जो है कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और यहाँ पर कॉलेज की तरफ से और बाद में हमने एक कैमरे फोटोग्राफी के लिए सब बुलाया भी है, सब प्रक्रिया उसके तहत संचालित होगी। बैरिकेडिंग वगैरह पुलिस की क्या व्यवस्था है? प्रशासन ने जहाँ जहाँ महत्वपूर्ण बिंदु है वहाँ पर बैरिकेडिंग कर दिया है और मुझे लग रहा है कि ये जो आप सामने देख रहे हैं ये चुनाव तक इसी तरह रहेगा। यहाँ पर कोई गाड़ी इत्यादि की व्यवस्था नहीं करने देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो रोहित जी, किस पद के लिए आप नामांकन कर रहे हैं? मंत्री पद का 85। तो छात्रों की किस हित की बात कर रहे हैं आप? छात्रों के लिए सबसे बड़ी यहाँ की समस्या है कि लाइब्रेरी में बुकें नहीं रहती हैं, स्कॉलरशिप उन लोग की नहीं आती है और सबसे पहले उन लोग एग्जामिनेशन फॉर्म जो भरते हैं तो बहुत से बच्चों की एग्जामिनेशन फॉर्म ही होती है, विद्यापीठ बच्चों के यहाँ विद्यालय का फॉर्म नहीं भर पाते हैं। विद्यालय में अनेकों समस्याएं हैं तो आप उसमें कितना बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे छात्रों के लिए? मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मैं छात्र संघ महामंत्री बन गया, कॉलेज में कोई भी समस्या होगी छात्राओं के लिए तो सबसे पहले आपके ये भाई महामंत्री प्रत्याशी रोहित यादव उन लोग के लिए सबसे आगे रहेगा। जैसे कि अभी छात्रवृत्ति फॉर्म भरा था, डेट नहीं बता तो मैं 14 दिन अनशन बैठकर उसको छात्रवृत्ति डेट भरवाया था। एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा, मैं विद्यापीठ जाकर वहाँ के कुलपति महोदय को साइन करवा कर उससे डेट भरवाया था। किस पद के लिए आपने नामांकन आज किया है? अध्यक्ष पद के लिए। तो क्या शेड्यूल है आपका, आप छात्रों के हित की क्या बात कर रहे हैं आप? हम लोग अपने महाविद्यालय में छात्रों के लिए जो महाविद्यालय में जो दुविधाएं होती हैं उनको सुधार किया जाएगा। बहुत समस्या है विद्यालय में, तो कौन सा आप है मेन समस्या? महाविद्यालय में जैसे कि बाहरी छात्र आ जाते हैं, अगल बगल के छात्र जो छात्र नहीं रहते हैं वो भी आ जाते हैं, उनका पहले रोक किया जाएगा और महाविद्यालय का दशा और दिशा भी सुधार किया जाएगा। और महाविद्यालय में
और महाविद्यालय का सुंदरीकरण भी कराया जाएगा। यही सब लेकर के चलें। जी हाँ, तमाम छात्रों को जैसे भी समस्या होती हैं, लाइब्रेरीज होते हैं और भी महाविद्यालय के अनेक समस्याएं होती हैं, उसका भी सुधार कराने का पूरा प्रयास हम लोग करेंगे। BHU IMS आयुर्वेद संकाय में PG की सीट बढ़ोतरी की मांग को लेकर छात्र धरने पर बैठे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान के आयुर्वेद संकाय में PG आयुर्वेद की सीटों में बढ़ोतरी की मांग को लेकर छात्र धरने पर बैठे। धरनारत छात्रों ने कहा कि विगत 12 वर्षों से CCIM के PG आयुर्वेद प्रवेश के नए अधिनियमानुसार शिक्षक छात्र अनुपात अनुसार हमारे संकाय में PG की सीटों में बढ़ोतरी नहीं हुई है। PG आयुर्वेद की सीटों की संख्या महज 48 है। छात्रों ने कहा कि वर्तमान शिक्षक छात्र अनुपात को देखते हुए PG आयुर्वेद की सीटों में बढ़ोतरी के संदर्भ में विचार किया जाए तथा नए अधिनियम व शिक्षकों के अनुसार आयुर्वेद संकाय में PG की सीटों को बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं। हमारी ये डिमांड है कि हम पिछले 2 साल से यहाँ पे PG सीट की बढ़ोतरी के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं और हमें खाली आश्वासन दिया जा रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। किसी भी लेवल पे कौन सा काम हो रहा है इससे हमें न अवगत कराया जा रहा है, न वो काम कहाँ पहुँचा है, क्या हो रहा है, हमें कुछ नहीं पता चल रहा है। तो हमारी बस इतनी सी मांग है कि हमारी PG सीट बढ़ाई जाए, वो किसी भी लेवल पर बढ़ाई जाए, किसी भी हद पर बढ़ाई जाए और उसके लिए जो भी प्रयास किया जा रहा है उसमें हमारे टीचर हमारा बराबर सहयोग दें। बस अभी तक कोई आपसे मिलने आया, कोई छात्र नहीं? आश्वासन तो हमें बहुत सालों से दिया जा रहा है लेकिन केवल आश्वासन दिया जा रहा है, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। तो हम आश्वासन के भरोसे तो 2 साल से बैठे हैं लेकिन हम और आश्वासन के भरोसे नहीं बैठ सकते। यहाँ पे प्रोफेसर टोटल 32 हैं, तो अगर हम रेशियो निकालें अभी मतलब 1:3 के हिसाब से होना चाहिए लेकिन यहाँ पे अभी भी केवल 48 जो हैं वो PG की सीट्स हैं, जो कि हमारी मांग बिल्कुल जायज़ है, आराम से 32 प्रोफेसर के लिहाज से बढ़ाई जा सकती है। 96 तक PG सीट्स हो सकती हैं जो कि अभी केवल 48 हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गंगा सप्तमी के अवसर पर नमामि गंगे द्वारा गंगा का दुग्धाभिषेक किया गया। गंगा सप्तमी के पावन पर्व पर नमामि गंगे ने दशाश्वमेध घाट पर निर्मलीकरण की कामना से मां गंगा का दुग्धाभिषेक किया। गंगा उत्पत्ति दिवस पर मां गंगा की भव्य आरती की गई। गंगा तलहटी की सफाई कर स्वच्छता का आह्वान किया गया। राष्ट्रीय ध्वज और स्वच्छता स्लोगन लिखी तख्तियों से स्वच्छता को संस्कार के रूप में शामिल करने का संदेश भी दिया गया। आयोजन के मुख्य अतिथि हिंदू युवा वाहिनी वाराणसी मंडल के प्रभारी अमरीश सिंह भोला रहे। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने हजारों नागरिकों को स्वच्छता का संकल्प दिलाया और कहा कि हमारे भारत और सनातनी संस्कृति के रग रग में गंगा का वास है। वहीं इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने कहा कि नमामि गंगे अभियान के सतत प्रयास से गंगा किनारे की स्वच्छता अब दिखाई पड़ती है। हम सभी को नमामि गंगे अभियान से जुड़कर गंगा के संरक्षण में योगदान देना चाहिए। इस आयोजन में प्रमुख रूप से रामप्रकाश जायसवाल, सारिका गुप्ता, प्रीति जायसवाल, रश्मि साहू सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आज गंगा उत्पत्ति का दिन है, गंगा सप्तमी का दिन है और शास्त्रों में वर्णन है कि आज ही माँ गंगा स्वर्ग से हमारी पृथ्वी पर अवतरित हुई है। आज बड़ा ही पुण्यकारी दिन है। आज के दिन गंगा मैया ने आकर के भारतवर्ष को सुख और समृद्धि प्रदान की है। आज हमने अपनी गंगा मैया की आरती उतारी है, उनका दुग्धाभिषेक किया है और साथ ही गंगा की तलहटी से सफाई करके जनमानस को यह संदेश दिया है कि गंगा मैया जो भारत के रग रग में है, हमारे नस नस में गंगा मैया का वास है, उस गंगा मैया की सफाई बहुत जरूरी है। गंगा मैया किनारे आए तो स्वच्छता बनाए रखें। हम सबको मिलकर यह दायित्व निभाना होगा। राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रति प्रत्येक भारतीय को अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए गंगा मैया के किनारे की सफाई के लिए आगे आना होगा।
अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश भाईचारा कमेटी द्वारा माताओं में साड़ी वितरित कर उन्हें सम्मानित किया गया। माँ की ममतामयी छाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश भाईचारा कमेटी द्वारा रामापुरा क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद वर्मा ने किया। इस मौके पर उन्होंने उपस्थित माताओं को साड़ियां भेंट करके उनका सम्मान किया। इस अवसर पर प्रमोद वर्मा ने कहा कि जन्म देने वाली माता का दर्जा सर्वोच्च है। प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक माता की यथाशक्ति सेवा करके भी जीवन पर्यंत हम ऋण नहीं चुका सकते हैं। इस अवसर पर शकील अहमद, राजेश तिवारी, मनीष मिश्रा, दिनेश कुशवाहा इत्यादि लोग उपस्थित रहे। आज मदर डे के अवसर पर हम लोग मातृ दिवस के अवसर पर राज शक्ति के रूप में मनाए हैं। आपने देखा यहाँ माताओं को साड़ी देकर हम लोग ने सम्मानित किया। उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि हम सबको आशीर्वाद दे, यहाँ जो लोग कमेटी में उनको आशीर्वाद दे। इस तरह हर साल कार्यक्रम ये संपन्न होता रहे और इनसे आग्रह करना चाहता हूँ, माता का जन्म मृत्यु से नाता है और मैं कहना चाहूँगा कि यही एक मदर डे के अवसर पर सबसे अपील करना चाहूँगा इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया से, जो यहाँ माताएँ आई हैं घर जाके अगर भगवान से प्रार्थना करें कि महंगाई में कमी आवे, हम सब लोग को देश के अंदर खुशहाली आवे, हम लोग खुश रहें, हर साल ये कार्यक्रम संपन्न होता रहे, इस तरह आप सबका सम्मान होता रहे, बस यही मेरी शुक्र। गायत्री परिवार की ओर से गंगा तट पर 10 सहस्त्र युवाओं द्वारा सामूहिक सूर्य अर्घ्यदान दिया गया। रविवार को गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान एवं गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट तथा युवा प्रकोष्ठ वाराणसी के संयुक्त संयोजन में महामना पंडित मदन मोहन मालवी जी द्वारा देखे गए स्वप्न काशी के पावन गंगा के तट पर 10 सहस्त्र युवाओं के द्वारा सामूहिक सूर्य अर्घ्यदान देने की कल्पना को पूर्ण किया गया। 2 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन 10 सहस्त्र युवाओं द्वारा सामूहिक अर्घ्यदान का शुभारंभ सुबह 6:30 बजे से मुख्य अतिथि डॉक्टर चिन्मय पांड्या द्वारा देव पूजन के साथ हुआ। उपस्थित विशाल जन समूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गंगा सप्तमी माँ गंगा की पृथ्वी पर अवतरित होने की पावन तिथि है। इस दिन आप सभी लोगों द्वारा काशी के घाटों पर मानव श्रृंखला बनाकर उदित होते हुए भगवान भास्कर को अर्घ्य देना निश्चित रूप से युग परिवर्तन का संकेत है। इस अवसर पर सामूहिक सूर्य अर्घ्यदान कार्यक्रम में विद्यालयों के बच्चों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम संयोजक पंडित गंगाधर उपाध्याय एवं आध्यात्मिक संदेशवाहक अनिलेश तिवारी ने किया। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से केदार प्रसाद दुबे, बागीश दत्त मिश्र, नरेंद्र ठाकुर, अमरीश सिंह भोला, अजय सिंह इत्यादि लोगों ने भाग लिया। ये बनारस जोन है जिसके अंदर 4 उपजोन है और 20 जिले हैं, उसके मैं समन्वय प्रभारी के रूप में काम करता हूँ। ये कभी मालवीय जी ने सबने इच्छा किया था कि गंगा के सभी घाटों पर हमारे युवा जो हैं 10,000 युवाओं से हम अर्घदान सूर्य को साक्षी रख के करेंगे, जो देश के जो उत्थान के लिए हमारी जो सभ्यता हमारी जो संस्कृति है उसको महत्व देते हुए आज जो हमारा ये मिशन जिसको हम गायत्री परिवार युग निर्माण योजना बनाते हैं, इसका एक ही उद्देश्य है कि मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्ग, इसी काम को पूरा करने के लिए ये आयोजन किया गया। एक साथ कैसा आयोजन आज किया गया? आयोजन ये किया गया कि ये सूर्य जो उदय हो रहा है तो नए युग का सूर्य उदय हो रहा है और पूरा भारत जो है इसका स्वागत कर रहा है और जो युग आने वाला है बहुत शानदार है, जानदार है, जिसे पूरी भारत के लोग जो है सारे विश्व में इस संस्कृत को फैलाएंगे। भारतीय संस्कृत जिस गौरवमय संस्कृत को जीती है उसके जीते जागते उदाहरण आपको मिलेंगे। हम कितने लोगों ने आज अर्घ्य दिया है? करीब 10,000 लोगों ने। ये संकल्प कितना बड़ा संदेश देगा काशी की से? काशी को नहीं, सारे विश्व को संदेश जा रहा है। काशी बस की बात मत करिए, केंद्र है, काशी केंद्र है, है ना, लेकिन सारे विश्व को संदेश जा रहा है कि हमको प्रगति के साथ रहना पड़ेगा। सूर्योदय के पहले उठिए, दिनचर्या प्रारंभ करिए और सूर्यास्त तक थोड़ी देर बाद सो जाइए। आप मैदागिन चौराहा स्थित पाताल भूमि बालाजी हनुमान मंदिर के समक्ष प्याऊ की व्यवस्था की गई। भीषण गर्मी को देखते हुए मैदागिन चौराहा स्थित पाताल भूमि बालाजी हनुमान मंदिर पर महंत शैलेश शर्मा के नेतृत्व में राहगीरों के लिए प्याऊ व शरबत के स्टॉल लगाए गए, जिसमें लोगों को विभिन्न ठंडे पेय पदार्थ पिलाए गए जिससे उन्हें इस भीषण गर्मी से राहत मिल सके। मंदिर के महंत ने बताया कि इस भीषण गर्मी में लोगों को राहत देने के उद्देश्य से ये प्याऊ लगवाया गया है जो निरंतर चलता रहेगा। किस तरह का ये आज आप लोग यहाँ पर ये प्याऊ लगाया? ये
मैदागिन स्थित श्री पाताल भूमि हनुमान बालाजी मंदिर पर से आज शरबत वितरण का कार्यक्रम किया गया है भीषण गर्मी को देखते हुए, क्योंकि यात्रियों की संख्या यहाँ बहुत ज़्यादा हो गई है जब से कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है। तो मैदागिन क्षेत्र में महामृत्युंजय, इधर गणेश जी, इधर काल भैरव और विश्वनाथ जी के लिए दर्शनार्थी बहुत आते हैं। इस वजह से गर्मी को देखते हुए शरबत का रूअब्जा और बेल का शरबत, नींबू का शरबत का वितरण का आज कार्यक्रम रखा गया है। आज आपने शरबत बांटा, आगे क्या योजना है? आगे फिर शरबत और जो हो सकेगा मंदिर की तरफ से आयोजन किया जाएगा। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। ज्ञानवापी मामले में सर्वे करने पहुंची टीम को मस्जिद में जाने से रोका गया, जिसके चलते रुका सर्वे का कार्य। बड़ी पेरी क्षेत्र से निकली बड़ी शीतला माता की बधावा यात्रा में पूर्व विधायक अजय राय ने की शिरकत। हरिश्चंद महाविद्यालय के छात्र संघ चुनाव की नामांकन प्रक्रिया हुई संपन्न। और BHU IMS आयुर्वेद संकाय में PG की सीट बढ़ोतरी की मांग को लेकर छात्रों ने दिया धरना। आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।